वंदेमातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत सत्र 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से है और जिसका विषय है कि इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत EMIS पोर्टल पे सत्र 2023-24 के लिए विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करवाने के दिशा निर्देश है। अब इसका जो प्रसंग है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिनांक 1/6/2023 और इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 1/5/2023 है। अब क्या है और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको डिटेल में जानकारी देने की। तो इसमें लिखा हुआ उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और विभाग नई दिल्ली और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF गांधीनगर गुजरात द्वारा कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल विद्यार्थियों यानी जिसकी आयु वर्ग 10 से 15 वर्ष है उसमें सृजनात्मक क्रिएटिविटी यानी नवाचारी सोच विकसित करने के उद्देश्य से इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना मिलिन माइंड ऑगुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज का संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के तहत देश भर से जो भी स्कूली विद्यार्थी हैं उनको जो श्रेष्ठ मौलिक और सृजनात्मक विचारों को संबल प्रदान करती है और जो कि सामाजिक आवश्यकताओं और उपयोगिताओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि EMIS जो भी इसकी जो साइट दी हुई है www.inspireawards.dst.gov.in पोर्टल पे 2023-24 से तो विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करने की जो तारीख है वो 1 मई 2023 से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। और इसके लिए आप अपने जिले ब्लॉक यानी जो भी निर्देश ब्लॉक शिक्षा वगैरह उनके अधिकारियों के लिए है, लेकिन ये सभी पे लागू होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE या RBSE के संस्था प्रधानों को निर्देशित करते हुए प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों को प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। और इस हेतु निम्नांकित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें, यानी 5 प्रत्येक स्कूल से 5 जो स्टूडेंट है उनका नॉमिनेशन या उसका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करना है MIS पे, यानी जो भी प्रोजेक्ट इनोवेटिव जो आइडिया है उनको अपलोड करना है जिसमें जो भी आपके विद्यालय में अगर विज्ञान शिक्षक है तो उनकी सहायता ली जा सकती है। और इसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि अधीनस्थ विद्यालय जो कि EMIS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है उनके संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि वे स्वयं के विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि आपका क्षेत्र का कोई भी विद्यालय इस प्रक्रिया से छूट नहीं जाए। और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए UDIS जैसे कि आपको बताया UDIS कोड है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय ले गया है क्योंकि ये अद्वितीय कोड है और जो कि प्रत्येक विद्यालय के लिए यूनिक कोड है। UDIS प्रत्येक विद्यालय को आवंटित है और EMIS पोर्टल पर पंजीकृत रजिस्टर्ड या अपंजीकृत समस्त विद्यालयों जिसमें ये सारे विद्यालय आ जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड अनएडेड फ्रॉम एनी नेशनल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड पोर्टल पर अपने विद्यार्थियों अपने विद्यालय लॉगिन आईडी से UDIS कोड को जोड़ने और अपडेट करने का कार्य अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। यानी पहले तो लॉगिन करके आपके जो UDIS है उससे मैपिंग करनी है, उसको अपडेट करना है, उसके बाद में EMIS पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से जिसमें UDIS कोड ईमेल वेरिफिकेशन और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसका अपडेशन और सत्यापन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है। और उसके बाद में ये योजना है वो देश भर के लगभग 5 लाख से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों से ऐसे 1 मिलियन ओरिजिनल या इनोवेटिव आइडियाज सर्वश्रेष्ठ मौलिक और सृजनात्मक विचारों का लक्ष्य रखा गया है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं और उपयोगिताओं की दृष्टि पर खरे उतरते हैं। और 2023-24 के ऑनलाइन नॉमिनेशन 1 मई 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं, अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के जो ऑनलाइन नॉमिनेशन है वो जिस पोर्टल पे जो inspireaward.gst.gov.in उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ मौलिक और सृजनात्मक नवाचारी विचारों की गुणवत्ता और श्रेष्ठता के आधार पर किए जावे, न कि उसके द्वारा परीक्षाओं में अर्जित प्राप्त अंकों के आधार पर। यानी जो भी स्टूडेंट है वो क्रिएटिव आइडिया है वो उसके आधार पर उनको मोटिवेट करना है और उनके आइडिया तैयार करवाने और उसकी जो भी PDF वगैरह वो सारी साइट पर अपलोड करनी है। और प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ मौलिक और सृजनात्मक विचारों को EMIS वेब पोर्टल जो है उस पर अपलोड करने के अनिवार्य रूप से फाइनल सबमिट और फॉरवर्ड करना है और साथ ही सामाजिक आवश्यकताओं और उपयोगिताओं की कसौटी पर भी खरे उतरते हो ऐसे आइडियाज होने चाहिए। इसके अलावा अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को स्पष्ट निर्देशित करें कि EMIS पोर्टल पर विद्यार्थियों के ऑनलाइन आइडिया को भलीभांति जांचने के उपरांत ही आइडिया को अप्रूव करें
और जो आइडिया मौलिक या सृजनात्मक हो, साथ ही आइडिया इंटरनेट या यूट्यूब या किसी आउटसोर्स करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए हुए नहीं होने चाहिए। कुल रूप देखा जाए तो कुल मूल रूप से मौलिक होने चाहिए, यानी खुद के क्रिएटिव माइंड से किए हुए बच्चे के जो भी सृजनात्मक है उसमें उसकी सृजनात्मकता होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और नया आइडिया होना चाहिए। और विद्यार्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेट करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक या नवाचारी विचार का सारांश साइनोप्सिस भी अपलोड करना आवश्यक है, और सारांश है वो PDF या वर्ड में फॉर्मेट में हो सकता है। और इसको अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी के नवाचारी विचार का चयन योजना में नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके लिए समस्त नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10,000 रुपये DBT द्वारा जमा किए जाने हेतु चयनितों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के EMIS लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जिनका भी इसमें चयन हो जाएगा उन विद्यार्थियों को 10,000 रुपये अवार्ड के रूप में दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी अमाउंट है। पहले 5,000 दिए जाते थे, अब 10,000 दिए जाएंगे। और विद्यार्थियों द्वारा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपलब्ध करवाया गया जो बैंक खाता है वो चालू हालत में होना चाहिए, यानी जिस भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करें उसके बैंक डिटेल्स अकाउंट की जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सही हो, बैंक खाता है वो चालू हालत में होना चाहिए ताकि उनके अकाउंट में जो भी है पेमेंट जमा हो जाए। और संस्था प्रधानों को निर्देश करें कि विद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने विद्यालय में एक शिक्षक को इंस्पायर प्रभारी नियुक्त किया जाए जो कि इंस्पायर मानक अवार्ड योजना से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, और इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित विद्यालयों यानी सभी विद्यालयों के लिए है कि संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि अंतिम क्षणों या दिनों पर पोर्टल पर अतिरिक्त भार के कारण असुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन अनिवार्य रूप से करवा जाना सुनिश्चित करें। ये डायरेक्टर महोदय का जो लेटेस्ट आदेश है, और इसमें आप देखेंगे तो 7/6/2023 का ये आदेश जारी किया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो साइट है EMIS जैसे www.inspiredawards.gst.gov इस पर आपको लॉगिन करके अपने सबसे पहले UDIS उसका कन्फर्मेशन करना है और ईमेल आईडी वगैरह सारे कन्फर्म करना है। अब इसके लिए मैं आपको साइट बता दूँ, ये जो साइट है inspiredawards.gst.in इस साइट पर आपको जाना है। अब इस साइट पर आप इंग्लिश का वर्जन भी देख सकते हैं, इसका आप हिंदी वर्जन भी यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें आपको जैसे स्कूल अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी, तो आप जैसे जो भी इसको इसमें सारे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, डोमेन दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ विनर जो पुराने हैं उनके दिए हुए हैं, एप्लीकेशन कोड या ईमेल आईडी चेक करने के दिए हुए हैं, और भी कुछ चीज़ें दी हुई है। अब जैसे इसको मैं इंग्लिश में वापस करूँ तो यहाँ आपको लॉगिन कैसे करना, तो यहाँ जैसे ऑथराइज लॉगिन है, यहाँ आपको ऑप्शन है नेशनल अथॉरिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल अथॉरिटी। अब स्कूल अथॉरिटी में जाकर के आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखे हुआ कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो टू प्रोसीड। तो एक तो है कि आपके टू लॉगिन क्लिक हियर, आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन करें, नया रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से क्लिक करें, और फॉर रीसबमिशन ऑफ OTR या सबमिशन ऑफ सेव्ड फाइल जो है आपको यहाँ से क्लिक करना है, और यूजर मैनुअल आप चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो नया रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपके जो भी UDIS कोड है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ईमेल आईडी वगैरह सारी वो कन्फर्म करनी पड़ेगी। तो ये पूरी जानकारी थी, अगर जो दो या आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो में रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसका वीडियो बना करके बता दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इंस्पायर अवार्ड के संबंध में कि इसकी जो भी तारीख है वो शुरू हो चुकी है, और 1 मई से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक 5 स्टूडेंट के जो भी इनोवेटिव आइडियाज है वो इस पोर्टल पर अपलोड करने हैं। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।